छह प्राइम टाइम बुलेटिन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया एक देश एक पहचान पत्र का प्रस्ताव। बोले 2021 में डिजिटल होगी जनगणना। शाह ने दिल्ली में रखी जनगणना भवन की आधारशिला। आज जनगणना डिजिटल भी होने जा रही है। एक मोबाइल ऐप से हम जनता को भी अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय, अपने परिवार की संपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने आप लोड करने के लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब गृह राज्य मंत्री का बड़ा ऐलान। बोले जम्मू कश्मीर में 50,000 बंद पड़े मंदिरों के पट खोलेगी सरकार। साथ ही घाटी में बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए भी कराया जाएगा सर्वे। सेना प्रमुख बिपिन रावत का बड़ा खुलासा। बोले बालाकोट में फिर सक्रिय हैं आतंकी। 26 फरवरी को एयरफोर्स ने तबाह किए थे कैंप। दिल्ली वालों को राहत देने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। 24 रुपए किलो बेचेगी प्याज। भारी बारिश और सप्लाई में कमी के कारण दिल्ली वालों को मिल रहा है महंगा प्याज। INX मीडिया केस मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली। चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध कर रही है CBI। शारदा चिटफंड केस में राजीव कुमार की जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची उनकी पत्नी। CBI ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे राजीव कुमार। CBI जारी कर चुकी है कई समन, फिर भी नहीं हुए हाजिर। फेस्टिव मूड में दिखा शेयर बाजार। बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। GST रेट कट और ट्रेड वॉर में नरमी के संकेत से आई मजबूती। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की सांड किया का दमदार ट्रेलर रिलीज। हरियाणा की दो शूटर दादियों प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर की जिंदगी पर आधारित है फिल्म। दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म। हाउडी मोदी के बाद आज पाक PM इमरान खान से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कश्मीर मसले और अफगानिस्तान पर हो सकती है बात। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।